अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास और 12वीं क्लास के रिज़ल्ट के हवाले से बात करेंगे। तलबा बहुत ज़्यादा परेशान है इस हवाले से, तो रिज़ल्ट कब आएगा। बार बार पंजाब बोर्ड जो है वो अपनी तरीकों का जो ऐलान है वो करता है, लेकिन बार बार उसको चेंज करना पड़ जाता है। उसकी वजह तो आप लोगों को सामने लिखी नज़र आ भी रही है कि पंजाब भर में इंटरमीडिएट और सेकेंडरी स्कूल सालाना इम्तहानात के नतज का ऐलान प्रमोशन पॉलिसी कोविड-19 की कैबिना से मंजूरी के बाद किया जाएगा। अब ये कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये जो 12वीं क्लास का रिज़ल्ट है इसकी मंजूरी नहीं हुई। 10th क्लास का रिज़ल्ट जिस तरह से पहले बता दिया गया 16 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो 10th का रिज़ल्ट जो है वो 16 अक्टूबर को ही आएगा। 12th क्लास के रिज़ल्ट की जो बात है वो अभी तक नहीं अनाउंस किया गया, तो वो कब अनाउंस किया जाएगा। तो आज चूँकि मीटिंग थी उसके 48 घंटों बाद रिज़ल्ट आना था, तो उम्मीद की जा रही है कि 14 अक्टूबर को 12th क्लास का रिज़ल्ट आ जाएगा और 16 अक्टूबर को 10th क्लास का रिज़ल्ट पंजाब बोर्ड अनाउंस इंशाल्लाह कर देगी। बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बार बार तारीख जो है वो आगे करी जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का सवाल है, तो इस हवाले से आप क्या आप कहते हैं कि रिज़ल्ट अब आ जाना चाहिए, बस ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो अपना जो अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो 14 अक्टूबर का 12th का जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा, उम्मीद है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।